करो वाहेगुरु। आज महासिंह के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए। हमारी फौज असला और तोपों के आगे महासिंह की छोटी सी टुकड़ी टिक नहीं पाएगी। न रहम न माफी, आगे बढ़ो। हमारी तोपों पर बारूद का धमाका किसने किया? और रातों रात महासिंह की फौज तीन गुनी कैसे हो गई? कैसे हुआ ये? इतिहास है गवाह, शेरों का शेर है शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह। शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह। बोले सोनिहाल शैतान सिंह, किले के दरवाजे और मजबूती से बंद किया जाए, एक भी सुकर चक्के अंदर आने न पाए। जी सरदार जी। फौजियों, दरवाजे मजबूती से बंद किया जाए। शुक्रगुजार होना चाहिए फुफड़ जी, क्योंकि इस बरस आप दिवाली की आतिशबाजियां नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैंने वो झलक आपको आज ही दिखा दी। रंजीत सिंह, तू सोद्रा से जिंदा वापस नहीं लौटेगा। ओए, तू अपनी खैर मना साहेब सिंह। मैदान में जंग करने की जगह आप छिप कर वार करेंगे। चलिए, अगर आपको किले के अंदर ही हारना मंजूर है तो वही सही। Oh no!
फौजियों तीर बरसाए जाए। फिकर ना कर, महासिंह तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने सोध रहा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो और रणजीत सिंह तुम्हारे पति की मौत का बदला लेकर ही लौटेंगे। वो इंसान मेरे पति की मौत का बदला लेगा जो उनकी मौत का कारण बना। वो इंसान मेरे जख्मों पर मरहम लगाएगा जिसने मुझसे मेरा पति छीन लिया। मेरी छोड़े पिताजी, आप अपनी कहिए, आपने महासिंह को अपने बेटे की तरह प्यार किया, लेकिन उसी महासिंह ने आपसे आपका बेटा छीन लिया। आप ये बात कैसे भूल सकते हैं? महासिंह और रणजीत सिंह ना तो मेरे जख्मों के लिए मरहम बन सकते हैं ना आपके जख्मों के लिए, क्योंकि ये सारे जख्म उन्हीं के दिए हुए। पुत्र, गलत फहमियों से बहुत नुकसान हो चुका है। अब अगर भविष्य बिगड़ने से बचाना है ना, तो इन गलत फहमियों को खत्म करना होगा। सुकर चक्कियों और कन्हैयों की दुश्मनी को खत्म करना होगा। पुत्र, पैर खत्म कर, तुझे गुरुबख्श सिंह का वास्ता। ठीक है, फुफर जी की फौज को किले की ऊंची दीवारों का फायदा मिल रहा है। पिताजी, हमारे फौजी आसानी से शहीद हो रहे हैं। हमें रणनीति सोचनी चाहिए और फिर हमला करना चाहिए। सही कह रहा है पुत्र, सही कह रहा है। सैनिकों, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हट जाओ। रुक जाओ पिताजी, मेरा लंबा होने वाला है।